दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल है सहेली बनी सौतन। सुबह के 5 बजे थे। आज कोमल जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज उसकी मैरिज एनिवर्सरी थी। उसने अपना जल्दी से सारा काम खत्म किया और शाम को उसने एक सरप्राइज पार्टी का प्लान बनाया। इस पार्टी के बारे में उसने अपने पति अजय को भी कुछ नहीं बताया क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी। कोमल ने आज अजय को जल्दी घर आने के लिए कहा था। शाम 7 बजे तक पार्टी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। कोमल ने सभी मेहमानों को 9 बजे बुलाया। अब कोमल जल्दी से तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर गई। कोमल 1 घंटे में तैयार होकर वापस आ गई। आज कोमल ने अजय की पसंद की नीले कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। कोमल ने अजय को कॉल किया और पूछा, तुम्हें आने में कितना टाइम लगेगा? अजय ने कहा, आज ऑफिस में बहुत काम है इसलिए आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगा। 9 बजने पर सभी मेहमान आ चुके थे। सभी अजय के बारे में पूछ रहे थे। कोमल ने कहा, उनको आज ऑफिस में बहुत काम था इसलिए आने में थोड़ा लेट हो जाएंगे, तब तक आप पार्टी इंजॉय कीजिए। रात के 11 बज चुके थे लेकिन अजय अभी तक नहीं आया था। सभी मेहमान खाना खा के जा चुके थे। कोमल की आंखें अजय का इंतजार करते करते थक चुकी थी। कोमल को अजय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कोमल ने अजय को फिर से कॉल किया लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। अब कोमल को अजय की चिंता होने लगी और वो अजय के ऑफिस पहुंची। लेकिन वॉचमैन ने बताया, अजय सर तो नीलम मैडम के साथ 8 बजे ही चले गए हैं। कोमल ने पूछा, ये नीलम कौन है? वॉचमैन ने कहा, नीलम मैडम अजय सर के साथ ही काम करती है और कई बार अजय सर को उनके साथ जाते देखा है। कोमल को अजय पर पूरा भरोसा था इसलिए उसने उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कोमल ने सोचा, नीलम अजय के साथ काम करती है इसलिए वॉचमैन ने उन दोनों को साथ में जाते देखा होगा। लेकिन अजय अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा? आखिर अजय बिना बताए कहां जा सकता है? कोमल घर वापस आ जाती है। उसने अजय को फिर से कॉल किया लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। कोमल ने खाना भी नहीं खाया था और वो अजय का इंतजार करते करते सोफे पर ही सो गई। रात 2 बजे डोरबेल बजती है। कोमल ने तुरंत उठकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर अजय था। कोमल ने अजय से पूछा, कहाँ थे इतनी रात तक? तुम्हें पता है ना, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज पार्टी रखी थी लेकिन तुमने सारा प्लान चौपड़ कर दिया। सारे मेहमान तुम्हारा इंतजार करके चले गए। मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया लेकिन तुमने मेरा कॉल ही नहीं उठाया। मैं तुम्हारे ऑफिस भी गई लेकिन तुम्हारा ऑफिस तो बंद था। और वॉचमैन ने बताया कि तुम किसी नीलम के साथ 8 बजे ही चले गए थे। अजय चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। अजय अकेले नहीं था, उसके साथ एक लड़की भी थी जिसने दुल्हन के जैसे कपड़े पहने हुए थे। कोमल की नज़र जब उस पर गई तो वो बहुत खुश हुई और उससे बोली, अरे नीलम, तुम आज हम पूरे 5 साल के बाद मिल रहे हैं और कॉलेज के बाद तो तुम गायब ही हो गई, ना कोई कॉल ना मैसेज, आखिर तुम इतने दिन तक थी कहाँ? नीलम कोमल की बातें चुपचाप सुन रही थी। तभी कोमल की नज़र उसके कपड़ों पर गई। कोमल ने कहा, तुमने दुल्हन के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? ऐसा लग रहा है कि सीधे शादी के मंडप से भाग कर आई हो। नीलम के पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। कोमल ने कहा, लेकिन तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? तभी अजय ने हिम्मत करके कोमल से कहा, नीलम मेरे ऑफिस में पिछले 2 साल से काम कर रही है। नीलम से मुझे कब प्यार हो गया ये मुझे पता ही नहीं चला। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इसलिए आज हमने मंदिर में जाकर शादी कर ली। कोमल हंसकर बोली, तुम लोग मजाक कर रहे हो ना? नीलम, तुम्हारी मजाक करने की आदत अब तक नहीं गई लेकिन अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ, इसलिए मेरे सामने एक्टिंग करना बंद करो। नीलम ने कहा, अजय सच कह रहा है। देखो नीलम, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर अजय ने कहा, ये मजाक नहीं सच है और इसे तुम जितनी जल्दी स्वीकार कर लो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। यह सुनकर कोमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक झटके में उसकी सारी खुशियाँ बिखर गईं और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कोमल ने रोते हुए कहा, मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जिसकी तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? हमने एक दूसरे से जो वादे किए थे, जो कसमें खाई थी, उन वादों और कसमों को क्या हुआ?
तुमने इससे शादी करने से पहले मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। और नीलम, तुम तो मेरी कॉलेज में सबसे अच्छी सहेली थी ना, और तुमने ही मेरी खुशियों में आग लगा दी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सबसे अच्छी सहेली एक दिन मेरे सामने मेरी सौतन बनकर खड़ी होगी। नीलम ने कहा, मुझे माफ कर दो कोमल, मुझे नहीं पता था कि अजय तुम्हारा पति है। कोमल ने कहा, लेकिन अजय शादीशुदा है, ये तो तुम्हें पता था ना, आखिर तुम किसी की खुशियाँ कैसे छीन सकती हो। नीलम ने कहा, मुझे माफ कर दो कोमल, मैं अजय के प्यार में पागल हो गई थी। कोमल ने अपने आंसू पोंछे और अजय से कहा, आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, तुम अभी इसी वक्त इसे लेकर निकल जाओ मेरे घर से। अजय ने कहा, ये घर मेरा भी है, इसलिए मैं और नीलम इसी घर में रहेंगे। कोमल ने कहा, शायद तुम भूल रहे हो, ये घर मेरे पापा ने तुम्हें दहेज में दिया था, और मुझे अब तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखनी, इसलिए इसी समय निकल जाओ मेरे घर से। अजय नीलम को लेकर घर से चला जाता है। कोमल घर का दरवाजा बंद कर लेती है। जिस कोमल के चेहरे पर हमेशा खुशी और मुस्कान रहती थी, वो मुस्कान अब हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताइए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।